अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और उनके गुरु तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए मिला है। 5 मिनट तो परिचय में निकल जाएंगे, मुझे तो बहुत लंबा बोलने के आते, लेकिन 5 नहीं तो 6-7 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, दोस्तों, अभी तक जो बातें हो रही हैं, बहुत ही इतना अच्छा माहौल बना दिया हरिओम जी ने मुझे। मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके गीत के बाद मुझे मौका मिल रहा है, मैं भी बहुत भावुक उनके गीत को सुनकर हो गया। साथियों, अभी तक जो बातें हो रही थी मित्रों, वो ये हो रही थी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो ये बहुत कुछ मामला आपको, मैटर आपको मिल गया कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और हमने क्या किया। अब मैं इस बात पर जोर डालूंगा कि हमने क्या किया 1956 के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद हम लोगों ने क्या जिम्मेदारी निभाई। मैं इस बात पर 5-7 मिनट चर्चा करूंगा। साथी, बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया। सबसे बड़ी चीज, हमें बौद्ध धर्म दिया, उसके बारे में मेरठ से आए राजकुमार सागर जी ने विवरण से बताया। भंते जी का अधिकार क्षेत्र है, भंते जी और बहुत सारे भिक्षुगण हैं जो ईमानदारी से हमारे तथागत के धर्म को प्रसारित कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दूसरा सबसे बड़ा हमारी प्रगति का, हालांकि बाबा साहब तो कुछ और चाहते थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे ताकि हमारे नेतागण हमारे वहाँ पहुँचे पार्लियामेंट में और हमारा बहुमत हो और हम अपने फेवर में कानून पास करवा सकें। लेकिन महात्मा गांधी जी की जीत की वजह से और अन्य नेताओं की जीत की वजह से ये हो न सका और एक पूना पैक्ट हुआ। महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए, सब लोग आप जानते हैं, कोई मैं डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, समय भी कम है। तो एक पूना पैक्ट हुआ 1932 में, जिसके माध्यम से हमें 2 तरह का आरक्षण मिला। साथियों, राजनीतिक आरक्षण यानी कि पार्लियामेंट में जाने का हमारा अधिकार हुआ, विधानसभाओं में विधान परिषद में जाने का हमें अधिकार प्राप्त हुआ, इस पर बाद में चर्चा करूंगा। पहले वो रिजर्वेशन जो हमें नौकरियों में मिला, जो हमें पढ़ाई में मिला, और ये ध्यान रखे साथियों, हालांकि कुर्सियां 50 हैं, आधी खाली हो गई हैं, फिर भी मैं अपनी बात पूरी करके जाऊंगा और जितने यहाँ लोग बैठे हैं, इतने ही हर शहर में अगर लोग इकट्ठा हो जाएं, डेडिकेटेड 100% हो जाएं, तो समझिए इस देश में क्रांति होने वाली है, क्रांति हो जाएगी। तो आप लोग जाइएगा मत जब तक यहाँ मंच चले। तो साथियों, मैं आरक्षण की बात कर रहा था, तो आरक्षण से हमारे बाबा साहब के समय, बाबा साहब बड़े उदास रहते थे, तो बाबा साहब कभी कभी रोते भी पाए गए। साथियों, तो नानक चंद रत्तू जो उनके पीए थे, उनके भाई भी थे, उनके सहयोगी भी थे, तो कई बार उनसे पूछते थे कि बाबा साहब आप इतने उदास क्यों रहते हो, मुझे ये बताइए। तो बाबा साहब बात टाल जाते थे, क्योंकि वो भगवान बुद्ध उनका धर्म लिख रहे थे कि वो अधबीच में ना रह जाए, पूरा ना हो पाए, इसलिए वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन दत्तू जी उनसे बार बार ये पूछते रहे जब तक उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। तो एक दिन बाबा साहब ने इसका जवाब दिया कि रत्तू, जिनके लिए मैंने अपने 4 बच्चे खोए, जिनके लिए पूरा जीवन मैंने सुहा कर दिया, अब खिड़की खोली उन्होंने, 26 अलीपुर रोड में रहते थे, तो खिड़की खोल कर दिखाया, तो देख नानक चंद रत्तू, ये सामने जो कॉलोनी फंसी खड़ी है ना, इसमें हजारों बाबू मेरी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, आरक्षण की वजह से यहाँ पर सब हैं, हजारों बाबू यहाँ पैदा हो गए हैं, हजारों अधिकारी पैदा हो गए हैं, लेकिन मिशन के लिए एक भी काम नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, आपके आरक्षण के बारे में मैं बता दूं आपको कि आज की तारीख में बाबा साहब उस समय कहते थे कि आपके करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है साथियों, और इस आरक्षण को बचाओ, क्योंकि वैकेंसी खाली रखते थे, हमारे पोस्ट भरते ही नहीं थे, उस समय कहते थे बाबा साहब जिस समय जिंदे थे। और आज की तारीख में देखिए, सारे भारतवर्ष में, ध्यान से सुनिए साथियों, छोटी मोटी बात नहीं है, हम जयंती मनाते हैं हर साल, और जयंती मनाकर भाषण होते हैं, भाषण सुनकर चले जाते हैं, और उसके बाद सारे साल और दूसरी कथाएं सुनते रहते हैं। काम की बात सुनिएगा, आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 22 लाख वैकेंसी खाली है जो भरी नहीं गई है,
वो सारे भारतवर्ष में लगभग 82 लाख वैकेंसी हैं जो भरी नहीं जा रही हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद केवल और केवल आरक्षण को समाप्त करना है। साथियों, पिछले 25 साल से उदारीकरण के नाम पर, वैश्वीकरण के नाम पर सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है या उन्हें भरा नहीं जा रहा। इसका मकसद केवल आरक्षण को समाप्त करना है और आप लोगों को यह समझना होगा साथियों। और जो थोड़ी बहुत वैकेंसी है भी, तो उस वैकेंसी में ठेकेदारों के आदमी भरे जा रहे हैं। ठेकेदारों के आदमी कौन होते हैं? ठेकेदारों के आदमी यही होते हैं, हम तो होते नहीं, गरीब आदमी तो होगा नहीं, एससी एसटी ओबीसी तो होगा नहीं, और अगर होगा भी तो मजदूर बनकर मर जाएगा, ठेकेदार बनकर नहीं जाएगा। साथी देखिए, दिल्ली में ये सभा हो रही है, दिल्ली की बात सुनिए। दिल्ली में डीटीसी का उदाहरण मुझे याद आया कि जब मैं बसों में चलता हूं तो मेरी आदत है, मैं कंडक्टर से पूछ लेता हूं, भाई कंडक्टर साहब, आपकी जो आप परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? तो जितने कंडक्टरों से मैंने बात की आज तक, वो सारे के सारे प्राइवेट ठेकेदार के आदमी, यानी कि 10-12 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह मिलती है। और दूसरे लोग, तथाकथित सवर्ण लोग, अपर कास्ट के लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है एससी एसटी ओबीसी का, लेकिन उनकी भी मुसीबत है। उन्हें भी जब वो एमबीए बीटेक करके जाते हैं, उनके बच्चे, उनको भी 10 या 12 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनकी भले ही एक फूट जाए, हमारी दोनों फूटनी चाहिए, उनका ये सोचना होता है क्या? तो साथियों, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको बचाना होगा। और दूसरी शिक्षा, 5-7 मिनट में बात खत्म करनी है तो शॉर्ट में करूंगा। दूसरा, हमें बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया था, तो शिक्षा कैसी थी पहले, आज से जरा 50 साल पीछे जाइए, कैसी थी शिक्षा? सबके लिए सरकारी स्कूल थे और ये पब्लिक स्कूल नहीं थे आज से 50 साल पहले, यानी कि सबको शिक्षा वहीं मिलती थी सरकारी स्कूलों में, चाहे वो कोई भी हो, अधिकारी हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको वहीं शिक्षा मिलती थी। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे लोग भी उनकी बराबरी में आ गए, तो उन्हें एक तरीका खोजा, यार ये तो हमारी बराबरी में आ गए, एडीएम बन गए, एसडीएम बन गए, और बड़े बड़े बाबू बन गए, गाड़ियों में चलने लगे, हवाई जहाज में घूमने लगे। इन्होंने हमारी शिक्षा को समाप्त करने का एक तरीका खोजा कि पब्लिक स्कूल खोल डालो। पब्लिक स्कूल खोले डाले और सारे भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े छोटे मोटे, छोड़िए आप, ये कोई स्कूल नहीं है, बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में लाखों लाखों 20-20 लाख 30-30 लाख डोनेशन है, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते। और उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उद्योगपतियों के और नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, और हमारे बच्चे कहाँ? विदेश में तो एक भी नहीं मिलेगा सर। हो सकता है एक आध बच्चा या 2-4 बच्चे मिल जाए सारे भारतवर्ष में, यानी कि हमारी शिक्षा का सर्वनाश किया जा रहा है, हमें वहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां पहले थे, आज से 50 साल पहले थे। तो शिक्षा, बड़े खुश हो रहे हैं हम कि शिक्षित हो गए, शिक्षित हो गए, हमारी शिक्षा को ब्लॉक करने का इन्होंने तरीका ये खोज लिया है। और एक तरीके से हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूलों में या छोटे मोटे पब्लिक स्कूलों में कटोरा लेके जाते हैं, खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं केवल। हमारे बच्चों के हाथों में इन्होंने कटोरा थमा दिया कि अभी से इन्हें भीख मांगने का आदत डालो, जिससे ये डीएम और एसडीएम बन ना जाए। साथियों, ये बहुत बड़ी चाल है, इसको आपको समझना होगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ हुआ, प्राइवेटीकरण, निजीकरण, सरकारी कंपनियों को बेच बेच कर प्राइवेट में दिया जा रहा है। एक बालको कंपनी, आपको एक उदाहरण बताता हूं, आपको मैं बालको कंपनी हर साल 500 करोड़ रुपए कमाकर दिया करती थी गवर्नमेंट को, और उसको, ये 1994 की बात है, आज की नहीं है, उस कंपनी को, बालको कंपनी को इन्होंने 550 करोड़ में बेच दिया। जो कंपनी 500 करोड़ रुपए साल दे रही है आपको, कमा कर दे रही है गवर्नमेंट को, उसको आपने 550 करोड़ में कैसे बेच दिया? क्या मतलब था इसका? सीधा सीधा मतलब ये था कि ये इनको आरक्षण इनका समाप्त करना है, यही इनका केवल मकसद है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 16 डिपार्टमेंट अब तक प्राइवेट हो चुके हैं पिछले 25 सालों में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, कि मैं इस कारवां को बड़े झंझावतों से लड़कर
अपने विरोधियों से मुकाबला करके इस कारोबार को यहां तक लाया हूं। तो मेरे अनुयायियों से मेरा ये निवेदन है, एक आह्वान है कि मेरे अनुयायी इस कारोबार को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, और अगर आगे ना बढ़ा सकें तो ये कारोबार को किसी भी कीमत पर पीछे न हटने दें। लेकिन हमने क्या किया, सच्चाई आपको स्वीकार करनी चाहिए साथियों, कि हमने मिशन को पीछे हटाया। बताइए क्या किया हमने, 82 लाख वैकेंसी खाली है, शिक्षा पर आपका अधिकार रहा नहीं और हम कुछ कर नहीं रहे। और जो नुमाइंदे, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं साथियों, जरा ध्यान से सुनिए, ये युवा जो है इधर आ जाए तो अच्छा रहेगा, सामने यहां बैठ के बात कर सकते हैं आप, जिन्हें हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि ये हमारी आवाज को उठाएंगे। कौन उठाएंगे आवाज, पार्लियामेंट से तो कानून बनते हैं भाई, पार्लियामेंट से, विधानसभाओं से कानून बनते हैं ना, और वहां से ही 16 डिपार्टमेंट जो प्राइवेट हुए थे वो पार्लियामेंट से ही तो हुए थे। सरकार ने कैसे किए, पार्लियामेंट के माध्यम से तो किए, मंत्रिमंडल में अप्रूवल कराकर उसको पास किया। और उस मंत्रिमंडल में कौन थे, उसमें हमारे लोग भी थे, शोषित समाज के लोग भी बैठे वहां होते हैं, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, यानी कि हमारी मौत के पैगाम पर हमारे लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये कितने शर्म की बात है। और हम कहते हैं कि हम मिशन को बढ़ा रहे हैं, कौन मिशन को बढ़ा रहा है, कोई नहीं बढ़ा रहा है। अगर 10-12 हजार लोग इकट्ठे कर भी लेते हैं नेता लोग, देखिए 131 लोग पार्लियामेंट में लगभग हमेशा रहते हैं, आज भी 131 है, क्या कर रहे हैं जरा मुझे बताइए। कांग्रेस के 40 MP होने के बावजूद पार्लियामेंट को एक हफ्ते ठप रखते हैं, और किस बात के लिए, कि उन्होंने सोनिया गांधी को, विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने सोनिया गांधी जी को कुछ कह दिया था, ये हफ्ते भर उस पर पार्लियामेंट ठप रही। और हमारे 131 MP हमारे मौत के फरमान पर साइन कर रहे हैं। ये समाज, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे साथियों। देखिए किसी भी परिणाम तक पहुंचने के लिए, कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए केवल दो तरीके होते हैं सर, 2 मिनट और लूंगा सर, बस केवल 2 मिनट, या तो सत्ता हमारे पास हो, सत्ता हमारे पास है नहीं, और सत्ता तो है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं 131 MP SC ST के हैं, और OBC के इसमें अगर मिला दिए जाए तो लगभग 300 MP हमारे हैं। हम सत्ता की चाबी की बात करते रहते हैं, लेकिन 300 MP तो हमारे वहां बैठे हैं भाई, बहुमत में तो हम हैं। अगर आज वो सत्ता से बगावत कर दें तो गवर्नमेंट हमारी आज ही बन जाएगी, लेकिन नहीं करेंगे। बाबा साहब कहते थे कि ये जिन लोगों को मैंने पार्लियामेंट में इसलिए भेजा था कि अपने समाज के अधिकारों की बात करेंगे, ये केवल अपने पेट भरने में लग गए हैं, ये राजनीतिक आरक्षण आज ही समाप्त हो जाना चाहिए, बाबा साहब उस समय कहते थे। और इनकी जबान केवल तब खुलती है जब इनको जम्भाई आती है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे नेता बेईमान नहीं होते, सारे नेता मतलब तो कुछ नेता अच्छे भी होते हैं, हमारे एक दो नेता वहां आवाज उठाते रहे हैं, अगर आप नाम कहो तो मैं नाम भी लूंगा, लेकिन एक दो होते हैं, लेकिन पूरी जब तक हमारी आवाज जब तक उठनी चाहिए, जब तक हमारी, देखिए हम कितने पेशेंस वाले, कितने अम्बेडकराइज लोग हैं, या अम्बेडकर साहब की, बाबा साहब की बातें हो रही हैं, और या कुर्सियों से उठ उठ कर जा रहे हैं, क्या क्रांति करेंगे आप, क्या पाएंगे आप, आपके भविष्य की बात बता रहा हूँ, ये युवाओं के भविष्य की बात है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात है साथियों। ये नेता लोग, नेतागण हमारे लिए कुछ करने वाले नहीं है। दूसरा रास्ता मैं आपको बता दूं, दूसरा रास्ता है केवल आंदोलन। बाबा साहब भी ये कहते थे, या तो सत्ता हमारे पास होनी चाहिए, माननीय काशीराम भी जी कहते थे कि या तो हमारे पास सत्ता हो, और अगर सत्ता नहीं है तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन। और जब आंदोलन के माध्यम से ही, आप जानते हैं बाबा साहब ने कलाराम मंदिर का आंदोलन किया, सारी दुनिया की नजरें उधर गई, बाबा साहब ने तालाब आंदोलन, पानी पीने का आंदोलन किया 4 बार तालाब पर, सारे विश्व में वो बात गई, और एक दिन वो कानूनी रूप से हमारे लिए तालाब खुल गया। उस तालाब में बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति आज की तारीख में लगी हुई है। जो भी आज तक मिला है, जो भी दुनिया में परिवर्तन हुए हैं, वो केवल आंदोलन से हुए हैं, और हमारे नेताओं ने भी आंदोलन किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए,
मान्यवर काशीराम जी को छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का ईमानदार लोग पैदा हो गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ज्यादातर क्या हुआ, 2-4 हजार लोग इकट्ठे हुए उनके पीछे और जाके फिर टिकट का हिसाब किताब देखते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, और उसके बाद क्या है, मुंह बंद बोलना नहीं, चांदी का सोने का जूता सिर पे लगा और बोल मेरे आका मुझे क्या करना है, बस जो उनकी पार्टी कहती है वो कहते हैं। साथियों तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे आंदोलन की, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पूर्णतः डेडिकेटेड हो, बाबा साहब के मिशन के लिए काम करने वाला हो, और उस पर ऐसे लोग पैदा करें कि जो बिल्कुल फिक्र। देखिए दो तीन बातें हैं, काशीराम जी कहते थे, माननीय काशीराम जी, कि अगर आपको नए बिकने वाले नेता चाहिए तो आपको ऐसे कार्यकर्ता पैदा करने होंगे अपने बीच में से जो बिक ना सके, जो झुक ना सके और जो डर ना सके। तो साथियों हम उसी मिशन में लगे हुए हैं, बात खत्म कर रहा हूँ ये बात कहकर, हम उसी मिशन में लगे हुए हैं, और युवाओं से मैं मुलाकात जाऊंगा तो मैं मुलाकात करूंगा, दो तीन युवाओं से बात करूंगा और डिटेल से बात करेंगे। कभी यहाँ 150 लोग इकट्ठा हों कभी भवन वगैरह में कहीं, उस समय डिटेल से बात करेंगे। अभी मुझे 5-7 मिनट का मौका मिला था। जय भीम, जय भारत।